बस फाइनली पहुंच चुका मैं घंटा घर और ठीक है सभी भाई लोग यहाँ पे मिल चुके हैं। हमारे नीलेश भाई, बाकी ये पिका और वो किड्डो और बाकी कुछ भाई लोग यहाँ पे मिल गए थे। कल हम जा रहे हैं यमुनोत्री धाम। तीन धाम तो मेरे हो चुके हैं बट एक आखिरी धाम जो है वही रह रखा है। क्या ही खूबसूरत मंदिर है भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मंदिर है। इनको भी बुलाते हैं कभी, आप लोग कोई अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो, आप लोग ना अपनी टीम को फोटो लेते हैं। हम लोग निकल चुके, एक सुहावना मौसम सा रखा बढ़िया। बहुत ज्यादा नाम सुना था मैंने कैंपटी फॉल का पर फाइनली आज देख लिया भाई। यहाँ पे फुल पावर खोलते हुए दोनों भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो तो फैमिली, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी बज रही इवनिंग और अभी इवनिंग के बज रहे हैं 5 और अभी मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट, वो इसलिए क्योंकि भाई फाइनली कल हम जा रहे हैं यमुनोत्री धाम और साथ में 4 भाई लोग मेरे और हैं बट वो सारे के सारे क्या है देहरादून में, तो उनका तो सीन बन नहीं रहा अभी आने का। तो मैंने सोचा क्यों ना जब जाने यार, जब मैं गंगा के तरह पास हो तो क्यों ना गंगा स्नान करके जाया जाए। फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी घाट, तो चलते हैं और उसके बाद जा करके जाएंगे। तीन धाम तो मेरे हो चुके हैं बट एक आखिरी धाम जो है वही रह रखा है, मतलब यमुनोत्री धाम। बाकी मैंने गंगोत्री धाम भी कर रखा है, बद्रीनाथ भी कर रखा है, केदारनाथ भी कर रखा है। तीन धाम तो मेरे हो गए बट पहला जो धाम था ना वही यार वही नहीं हुआ। मतलब सबसे पहला धाम जो होता है ना वहाँ पर यमुनोत्री होता है, उसके बाद गंगोत्री, फिर तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। तो अभी चलते हैं त्रिवेणी घाट, स्नान करते हैं और उसके बाद जाकर कल अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट और अभी चलते हैं नीचे के साइड, वहाँ देखते हैं बढ़िया सी जगह जहाँ पर पानी की लोकेशन अच्छी होगी और जहाँ पे थोड़ा खाली खाली सभी को लोग वगैरह नहीं होंगे, वहाँ जाकर के नहाएंगे। तो देखो और ये दो बंदे हमारे साथ आ रखे, परवीन और समीक्षा, तो ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, हमारा सामान वगैरह सब संभाल करके रखेंगे क्योंकि भाई मैं अकेला आ रहा था, सामान उठ जा रहा, तो ये मेरा व्लॉग वगैरह भी शूट कर लेंगे। बस फाइनली पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट और अभी यहीं कहीं नहाएंगे, उधर देख सकते हैं उधर आरती वगैरह होती है। A few moments later. तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं वापस और अभी अपनी बाइक को लेते हैं, पार्किंग से निकालते हैं और चलते हैं बाहर की साइड। बीन बोल रहा है कि उसके दोस्त को कुछ खाना है तो उसको खिलाते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं वापसी के लिए। The next morning. Good morning. How are you? फाइनली अभी मैं रेडी वगैरह सब कुछ हो चुका हूँ तो फटाफट फुल पावर निकलते हैं क्योंकि सामान वगैरह मैंने सब कुछ पैक कर लिया। ये देख सकते हो बैग वगैरह मैंने सब कुछ पैक कर लिया, बाकी वो जैकेट है जैकेट डालता हूँ अभी और हेलमेट वगैरह ये रहा, बाकी जो ये चाहिए था किड्डो को इसलिए उसने कॉल करा था, तो ये लेकर के चलते 390 में उसको डालना है अपनी में, मैं तो V3 लेकर के जा रहा हूँ। तो फटाफट निकलते फुल पावर और 5:30 बजे करीब मेरे को वहाँ पहुँचना है, अभी 5 बज चुका है, आधे घंटे में लगाने की गाड़ी। अगर चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और प्यार दिखाना है भाई क्योंकि जल्दी प्लान बन चुका है अभी राइड पर जाने का, तो आगे इसी तरह बनता रहेगा। तो गाइस ट्रिप वगैरह एक बार चेक कर लो, अभी हो रही है 33,849 किलोमीटर, आप देखते हैं वहाँ कितने किलोमीटर में हम पहुँचते हैं। तो गाइस फ्यूल अप करवा लेते हैं, तो ट्रिप वगैरह तो मैंने आपको दिखा दी, एक टैंक कराएंगे, देखते हैं आते हुए हमें इतनी नीड नहीं होगी, आधे हुए करवा लेंगे बट वो आधे से आधे तो बच ही जाता है। भाई ठंडा खतरनाक हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ठंडा होगा बट बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है अभी। देख सकते तुम्हारे भाई के पास कितने का, तुम्हारे भाई बहुत अमीर है, बहुत पैसा है तुम्हारे भाई के पास, उससे मेरा क्या फायदा। बस फाइनली पहुंच चुका मैं घंटा घर और सभी के सभी लड़के यहीं पर मिलने वाले हैं। सभी भाई लोग यहां पे मिल चुके हैं, हमारे नीलेश भाई, बाकी ये पिका और वो किड्डो, बाकी ये नवीन और बाकी कुछ भाई लोग यहां पे मिल गए थे। और भाई का आर्यन, और भाई का कहां से तुम लोग? तो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं, फिल अप वगैरह हमने करा लिया था, देख ही लिया होगा आपने अभी तक। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं मसूरी डाइवर्जन, और आपको एक बार बता दूँ मतलब आपका यमुनोत्री जाने के लिए 2 रूट है, हरदून से आप मसूरी के रास्ते जा सकते हो और ऋषिकेश से आप नरेंद्र नगर होते हुए जा सकते हो, तो 2 रास्ते हैं आपके पास और ये दोनों रास्ते जा करके बड़कोट ही मिलते हैं एक ही जगह, मतलब बीच में जा करके सेंटर में जा करके हमारा रूट एक ही हो जाएगा अगर आप उस रास्ते पे जाओगे या इस रास्ते पे जाओगे। तो यहाँ पे इनको रोकते हुए पुलिस सर, तो चलती है अभी हम लोग यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी इस वजह से चेकिंग वगैरह चल रही है, तो हमारे पास तो खैर सब कुछ है तो कोई इशू नहीं होगा। तो अभी हम आ चुके हैं पहाड़ी इलाके में मसूरी, बाकी अपने देहरादून वाले भाई लोग को तो पता ही होगा बट ये कि बाहर के लोग जो देख रहे हैं उनको दिखा देता हूँ। तो ये मसूरी का फेमस मंदिर है महादेव जी का, तो देख सकते हो यार क्या ही खूबसूरत मंदिर है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है, को तो पता ही होगा बट ये कि बाहर के लोग जो देख रहे हैं उनको दिखा देता हूँ। तो ये मसूरी का फेमस मंदिर है महादेव जी का, तो देख सकते हो यार क्या ही खूबसूरत मंदिर है भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। भाई चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, आगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरा द वुल्फ राइडर 07 द वुल्फ राइडर 07 अच्छा द वुल्फ राइडर 07 हाँ जी, और ये भाई का है क्रॉसबो के नाम से, क्रॉसबो व्लॉग्स। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी, बहुत अच्छा। यमुनोत्री तक? हाँ जी नहीं, यमुनोत्री पहला धाम जो है। अच्छा हाँ जी, कितने कब तक पहुंचोगे? हम इवनिंग तक पहुंच जाएंगे, मतलब 5-6 बजे तक कोशिश करेंगे जल्दी। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड टू सी यू, चलो ऑल द बेस्ट। और सबसे अच्छी बात ये है ना मैम, इन लोगों ने देखो सेफ्टी मेजर्स पूरे रखे हैं, आप लोगों को देख के अगर कोई इन्फ्लुएंस होगा। जी जी, अभी हमने ना UK07 को बुलाया था, एक्चुअली हमारा ना
ब्लाइंड लोगों का वो रेडियो है जी जी, तो ब्लाइंड लोग ही उसमें प्रोग्राम करते हैं सब चीजें, मतलब हाँ हाँ जी, अभी दो मैम बच्चे हमारे यंगस्टर्स हैं ये। सुकून का नाम सुना है, इनको भी बुलाते हैं कभी, आप लोग कोई अपना कांटेक्ट नंबर दो, आप लोग आओ और आप लोग जब देखोगे कि ब्लाइंड लोग हमारे तक के बच्चे हैं, हमारे यहाँ हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का है जे जे। तो अभी कभी आप नीचे अगर देहरादून में 91.2 NIVH अगर आप ट्यून करोगे, FM ट्यून करोगे तो वो है यूट्यूब चैनल, और दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड लोग और दिव्यांगजन, तो उनके लिए वो है ना। बुलाना अपनी टीम को एक फोटो लेते हैं। यार पहले पता है क्या होता था, मुझे लगता था यार ये क्या यंग लड़के हैं, जी 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 ये यंग लड़के हैं यार, ये लोग क्या करते होंगे ना, क्या बताऊं सारा टाइम हो गया आप लोग। हम बस इतने ही है कंप्लीट, चार लोग जा रहे हैं पांच, ये सारा टाइम ये लोग क्या बाइक चलाना। यही नहीं अभी और सुनिए, आप लोगों की बाइक्स के साथ कुछ ऐसे करने तो होता है क्या, खराब दारू वारू तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नो एडिक्शन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जुनून हो ना अपने पैशन का जुनून, हाँ काम को लेकर अपना जो पैशन है ना उसको फॉलो करना है, ना कि इस बात का कि यार दो पैसे लाके ना सब कुछ सेफ। वही मैं बोल रही हूँ, कितनी अच्छी बात है मैम, ये जिम्मेदारी जिम्मेदार यूथ है बेटा। देख इधर मैं बताती हूँ क्या करना है, देख कुछ नहीं करना, इधर आ बता इधर, फिर तेरे साथ भी लेंगे फोटो ना, एक फोटो तुम्हारे साथ भी आएगी, फिर देखो ऐसे हम पीछे खड़े हो जाएंगे, इधर 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 देख, जैसे भैया है ना ये भैया खड़े हैं ऐसे हम सब खड़े हो, तुमने केवल ये बताना हमारी भी डाल देना। आजा बेटा तुम्हारे साथ सेल्फी ले लेते, आजा तू भी आजा, तू भी आजा, एक एक सेल्फी लेना सब लोग जी। तो क्या नाचोगे? ऑल द बेस्ट आप लोगों को, सुरक्षित ड्राइव कीजिए और अच्छे से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच के वापस आइए। ओके ओके थैंक यू, ओके जी बाय बाय। चले सर आपने अभी देखा कि हमें मैम लोग मिले थे और वो कुछ रेडियो स्टेशन के बारे में बता रहे थे देहरादून में जो है, मतलब ब्लाइंड जो बच्चे हैं ना तो उनका वो हॉस्टल वगैरह है, और तो काफ़ी अच्छा बता रही थी मैम, मतलब ऐसा ऐसा करके कि आना ज़रूर एक बार ही चेक करना, मतलब ये वो सो, तो देखेंगे पॉसिबल होगा ज़रूर जाएंगे ज़रूर वहाँ, और जाना चाहिए वैसे या सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई देखो हम लोग वैसे भी तो देते हैं यार इतना, मतलब जैसे कोई मिल जाता है जिनके हाथ पर ठीक है, बट जो ब्लाइंड बच्चे जो वैसे बच्चे यार उनको तो देना बहुत अच्छी बात है, मतलब तो जो अपने से पॉसिबल हो पाया यार वो सब दे देना चाहिए, तो एक बार ही जाएंगे और एक बार ही बात करेंगे वहाँ से कि किस किस चीज़ की नीड है, अगर जितना पैसे की नीड हेल्प हो पाएगी वो कर देंगे हेल्प आउट, बाकी अगर जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कपड़े आओगे ये वो सो और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, तो अगर वो हो पाया तो वो भी दे देंगे, तो बाकी देखते हैं, एक बार जाना ज़रूर है मुझे, एक बार मैं ज़रूर जाऊँगा, कुछ अच्छा काम कर भी कर करके देखना चाहिए यार गाइस, क्योंकि अपने भी इंसान उड़ाता ही है भाई, अपने को कुछ हो जाए तब भी पैसा लगाता है, तो कुछ अच्छा कर करके देखो, तो एक बार ही ज़रूर जाएंगे वहाँ और देखेंगे, बाकी जो पाएगा मैं खुद से भी हेल्प करूँगा, बाकी मैं जो भी हो पाएगा मतलब वहाँ का वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, तो आप लोग से जो हेल्प हो पाए आप लोग भी कर देना, तो ऐसा अच्छा लगता है जब कोई मोटिवेट करता है ना भाई, तो मतलब जर्नी बहुत बढ़िया हो जाती है, और हमें भी अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मोटिवेट करता है, तो मैम ने बहुत अच्छा बोला तो बहुत अच्छा लगा यार हमें, बाकी चलते हैं अभी, और गियर्स वगैरह की भी बोल रही थी मैम कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हो, मतलब ऐसे राइडिंग गियर्स वगैरह प्रॉपर जा रहे हो तैयारी के साथ, तो ऐसे जाना चाहिए, और आप लोग को भी ये कहूँगा कि देखो यार ये इसी से इमेज बनती है, प्रॉपर गियर्स वगैरह पहनते ना भाई, तो अगला बंदा आपको समझेगा कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबल बंदा है, सही बंदा, प्रोफेशनल चल रहा है, बट अगर आप ऐसे निकलोगे यार थोड़ा सा तो आपके लिए भी सही नहीं है, सामने वाले के लिए भी सही नहीं है, तो थोड़ा सेफ्टी गियर होनी चाहिए यार। तो अभी हम आ चुके हैं मसूरी के जंगल में, और देख सकते हो भाई क्या घना जंगल है यार, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है भाई, मतलब ठंडा हो रहा है यहाँ, और जहाँ धूप आएगी वहाँ गर्म लगेगा, बाकी जहाँ छाव है वहाँ तो ठंडा लगना ही लगना है, वैसे भी मसूरी है भाई यहाँ तो ठंडा लगेगा ही लगेगा। तो एक बाइक आगे चल रही है और दो बाइक मेरे जस्ट पीछे चल रही है, तो हमारे भाई का भी चैनल है क्रॉसबो ब्लॉग्स करके, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना भाई को भी, जा करके सब्सक्राइब करना, ब्लॉग्स अच्छे लगे तो ज़रूर देखना भाई, और क्योंकि ये नहीं किया जब थोड़ा मिलता है ना भाई रिस्पांस, तो तब बंदा और मेहनत करता है और मन से करता है, तो थोड़ी खुशी होगी और थोड़ा अच्छे से और कर पाएगा भाई, तो थोड़ा सा हेल्प आउट करना, एक बार ये चैनल जरूर देखना भाई का, वो चेक करो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे खूबसूरत पहाड़ों में ऐसा घर हो अपना एक, क्या सेक्सी लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा व्यू, और पतली से रोड है मज़ा आ गया। हम लोग निकल चुके, एक सुहावना मौसम सा और रखा बढ़िया एकदम, देखते हैं आगे चल करके चाय वाय पियेंगे कहीं,
सफर का ही था मैं सफर का रहा साले। ऐसा आवाज मेरी बहुत गंदी है गाइस, सॉरी। तो गाइस मसूरी जाने का सिंपल रूट बताया था आपको कि हम कहां कहां से आए। तो सबसे पहले आपको देहरादून यानी राजपुर रोड से निकलना है, आप आ जाए सीधा मसूरी डाइवर्जन, उसके बाद मसूरी से आना है आपको सीधा मेन माल रोड जो है ना उसके सामने से जो बगल में रोड जाती है उस रोड पर आना है, जिस रोड पर दला हिल्स वगैरह है, कैंटी फॉल वाली जो रोड है, तो उस रोड पर आए आप। उसके बाद जाकर के आपको यहाँ से बीच से राइड ले लेना है, उसके बाद ये वाला रूट आपको सीधा यमुनोत्री लेकर के जाएगा। तो मैं भी इस रूट से पहली बार ही आ रहा हूँ, मतलब मैं अब तक जो आया तो दूसरे रूट से गया था पिछली बार गंगोत्री जो यमुनोत्री से पहले पड़ता है सोआ खोली उस रूट से, बट इस बार हम इस वाले रूट से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ का रूट अलग है। और पहाड़ स्टार्ट हो चुके, देखो सामने क्या खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं यार एक तरफा है भाई। देखते मैं भी बर्फ़ वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई आइडिया नहीं है अभी, वैसे मिलने तो चाहिए यार क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत है, गंगोत्री में तो है बट वहाँ का मेरे को शौक नहीं है यमुनोत्री में है कि नहीं है, मतलब मैंने जब देखा ना मैप में तो उसमें सैटेलाइट से दिखा तो नहीं रहा था, बट देखते हैं वहीं जाकर के पता लगेगा। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कैंटी फॉल, और मतलब कैंटी फॉल के सामने रुके, जस्ट बाइक वगैरह हमने सब कुछ यहाँ पर लगा दिए, नीलेश भाई हमारे यहाँ बैठे हैं बाकी वो दोनों वहाँ। और ये चेक करो यार, बहुत नाम सुना था भाई, बहुत ज़्यादा नाम सुना था मैंने कैंटी फॉल का, पर फाइनली आज देख लिया भाई। मैं कह रहा हूँ मैंने को बहुत नाम सुना था कैंटी फॉल का, साला आए नहीं थे कभी। अरे चिंदी चप्पल चोर। तो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है, अभी सुबह से कुछ नहीं खा रहे बिल्कुल, बस अब जाकर के हमने खाना वाना खाया, तो कुछ पराठे तो नीलेश भाई लेकर के आ रहे थे घर से पनीर वगैरह के, बाकी तीन चार पराठे हमने यहाँ करा ले रहे थे। तो सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अब निकलते हैं फुल पावर, बाकी आराम से पहुँच जाएंगे क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं यार। अभी फुल पावर हम लोग निकल चुके हैं एंड अभी हम दोनों ही हैं आगे, वो लोग तो उनसे आगे हैं, और अभी लगभग यहाँ से 90 किलोमीटर दिखा रहे हैं, अरे तो देखते हैं कितना पड़ता है। वो दोनों आगे रुके हैं और हम लोग भी चलते हैं, देखते हैं आगे कहीं बैठ कर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे यार, गर्मी भी लग रही है वैसे, ठीक है इतना यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं लग रही है यार, यहाँ का मौसम जो है ना मतलब बढ़िया, एकदम धूप दिख रही है बट लग नहीं रही है।